हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आ गए आज फिर से एक नया वीडियो लेके। आज हम सीखेंगे कि डबल डोर फ्रिज में अगर बॉडी कंडेंसर जो रहता है वो अगर ख़राब हो गया कि किसी वजह से लीक हो गया तो उसको रिप्लेस कैसे करते हैं, कैसे रिप्लेस करते हैं वो आज हम सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप जो है, आप लोगों को कंप्रेसर का जो रिले, अगर रिले सिस्टम मशीन हुआ तो रिले को उतार लेना है। अगर इन्वर्टर मशीन हुआ तो पहले कनेक्शन, वो जो पीसीबी रहता है उसमें कनेक्शन, वो जो पीसीबी रहता है उसमें हटा लेना है पूरा कनेक्शन। उसके बाद जो पुराना पाइप सिस्टम है, जो डिस्चार्ज पाइप है, जो डिस्चार्ज टायर लाइन है, उसको काट के हटा देना है। पुराना वाला कंडेंसर से पूरा लाइन जो है वो काट के अलग कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको आपका जो एलपीजी का गैस का बर्नर है उसको रेडी करके जो सक्शन है उसको निकाल लेना है। उसके बाद अगर कूलिंग कॉइल को फ्लास्क करना रहेगा करके जलाई कर लेना। के बाद जिस तरफ आप लोग सोचिंग करके फ्लेयर नट जलाई किए थे उस तरफ कंप्रेसर का एयर देके और गैस देके जिस भी तरफ फ्लैश करना होगा फ्लैश कर लीजिए। उसके बाद कंडेंसर को कैसे फिट करना है आइए देखते हैं। पहले चार क्लाम लेना है, चार क्लाम के जरिए फ्रिज के बॉडी में देख लेना है कौन सी क्लाम का छेदा कहाँ पे पर हो रहा है, उस जगह पे छेद करके कंडेंसर का क्लाम लगाना है। अच्छा से लगाना है दोस्तों, ना हिले। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो नया वाला कंडेंसर का डिस्चार्ज है उस डिस्चार्ज लाइन से कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन को जलाई कर लेना। अच्छे से जलाई करना है दोस्तों, कहीं लीक ना रह जाए। जलाई करने के बाद बार बार देख लेना है कि लीक ना हो। जलाई में अगर लीक रहेगा तो गैस निकल जाएगा। उसके बाद टायर में 1/4 पाइप लेके जलाई करना। जलाई करने के बाद टायर के जिस तरफ कैपिलरी कनेक्ट होता है उस तरफ कैपिलरी को कनेक्ट करने के बाद जलाई करना। उसके बाद टायर को जिस तरफ आपने जो चीज वीडियो में दिखाई जा रही है, जिस तरफ आपने 1/4 पाइप जलाई किए थे उस तरफ कंडेंसर का और एक जो डिस्चार्ज है उसको जलाई करना है। ये क्योंकि दोस्तों ये लोहा का कंडेंसर है इसीलिए इसको जलाई करने के लिए आप लोगों को स्वागा का ज़रूरत होगा। स्वागा ज़रूर चाहिए दोस्तों। उसके बाद चार्जिंग लाइन को जलाई करना है। उसके बाद चार्जिंग लाइन को जलाई करने लगी सक्शन लाइन कंप्रेसर के अंदर देके जलाई करना। गेज कैसे कनेक्ट करते हैं आइए देखते हैं। वहाँ पे एक पाइप कनेक्ट करना है, दूसरा वाला वैक्यूम के अंदर कनेक्ट कर देंगे, अंदर कनेक्ट करना है। फिर वैक्यूम कनेक्ट करने के बाद वैक्यूम चला लीजिएगा, उसके बाद खोल लीजिएगा, फिर 15 मिनट के लिए वैक्यूम को चला लें। 15 मिनट वैक्यूम जो आप लोगों को दिखा रहे हैं वो 600 का मशीन था, इसीलिए हम लोग 600 गैस डालेंगे उसके अंदर। कनेक्ट कीजिए 600 गैस के अंदर। उसके बाद गैस खोल लीजिए, मशीन को चला लेना, पूरा कनेक्शन करके मशीन को फिर से चला लेना, ठीक। उसके बाद फिर से गैस देना है,
मशीन का कंडेंसर के देखिएगा हीट कैसे आ रहा है। किसी और भी एक नया वीडियो लेके आएंगे। चलिए आज इतना ही, बाय।